मुख्तार अंसारी के करीबी जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जीवा मुख्तार अंसारी का शूटर था और अब जो जेल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके हिसाब से मुख्तार अंसारी जेल में बहुत डरा हुआ है। शूटर जीवा की हत्या के बाद में मुख्तार अंसारी जो है वो सहमा हुआ है। हालांकि जीवा से मुख्तार अंसारी की मुलाकात कब हुई थी यहां पर यह भी समझना जरूरी है। बताया यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जब लखनऊ की जेल में बंद था उस दौरान जीवा भी किसी मामले को लेकर यहीं पर सजा काट रहा था और तभी दोनों के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई और उसके बाद में जीवा मुख्तार अंसारी के लिए भी काम करने लगा। लेकिन जीवा की हत्या क्यों की गई इसे लेकर भी अब थ्योरी सामने आने लगी है। बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जीवा की किसी बात को लेकर ठनी हुई थी, उसकी हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। हालांकि इसके अलावा जीवा लंबे समय से यूपी की अलग अलग जेलों में भी बंद रहा है। ऐसे में जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि मुमकिन है कि जीवा अन्य अपराधियों के भी रडार पर हो और अन्य अपराधियों से अनबन के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनकी हत्या करने के बाद जीवा सबसे पहले क्राइम वर्ल्ड में सुर्खियों में आया था और इस मामले को लेकर उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि मुख्तार अंसारी जीवा हत्याकांड के बाद बेहद डरा हुआ है। हालांकि मुख्तार अंसारी के डर के पीछे की वजह एक नहीं बल्कि कई सारी हैं, क्योंकि इससे पहले अतीक अहमद की भी जब सरेआम हत्या की गई थी तो उस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी इतना ज्यादा खौफ में था कि तब उसने अपने वकील के जरिए 29 अप्रैल को कोर्ट में बाकायदा प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें उसने आशंका व्यक्त करते हुए आधिकारिक तौर पर यह बताया था कि जेल में उस पर हमला हो सकता है और कई लोग इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल मुख्तार पर हमला नहीं हुआ, मुख्तार के करीबी पर हमला हुआ है। दिन दहाड़े कोर्ट में जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिस शख्स ने हत्या की है उसका नाम विजय यादव है, 19 साल का यह शख्स एक बड़ा चेहरा है। हालांकि इस चेहरे के पीछे कौन लोग हैं यह भी निकलकर सामने आना बाकी है। लेकिन बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी खौफ जदा है। इस खौफ का आलम यह है कि मुख्तार अंसारी ने अतीक अहमद हत्याकांड होने के बाद अपनी जान को खतरा बताते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अपने मुकदमे में पेशी होने की बात कही थी, ये गुहार लगाई थी कोर्ट के सामने। लेकिन इस मामले में बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस जीवा की गैंगस्टर जीवा की गोली मारकर हत्या की गई है वो योगी आदित्यनाथ के रडार पर भी था। प्रदेश की तरफ से जो माफियाओं की सूची जारी की गई थी उसमें मुख्तार अंसारी के साथ मुजफ्फरनगर निवासी संजीव जीवा उर्फ संजीव महेश्वरी का नाम भी सूची में शामिल था। तो इस तरह की खबरें भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी जेल में बुरी तरीके से डरा हुआ है। हालांकि अपने डर को आधिकारिक तौर पर वो पहले भी जाहिर कर चुका है, लेकिन जीवा हत्याकांड ने उसकी धड़कनों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल SIT का गठन कर दिया गया है, एक हफ्ते में SIT अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। योगी सरकार की नजर SIT पर भी होगी। लेकिन अपने आप में अतीक अहमद के बाद खुलेआम इस तरीके से हत्याकांड ने कई सवाल तो खड़े किए ही हैं। लेकिन फिलहाल गैंगस्टर जीवा की मौत हो चुकी है, इसके आगे इस पर जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। VK News, राष्ट्र के नाम।